था सफर सचमुच। इस सफर में चलते संगीत और जिंदगी अपने आप में एक सुहाना सुरीला सफर रहा कल्याण जी आनंद जी भाई का। इस सफर में जिन लोगों के साथ रहे कल्याण जी आनंद जी, जिन अदाकारों के साथ, जिन फनकारों के साथ, साजिदों के साथ, इनके साथ एक सौगात उनकी बनी रही, जैसे किशोर कुमार जी और कल्याण जी आनंद जी। अभी जो गीत सुन रहे थे ये बड़ा ही यूनिक था कि किशोर दा जो इतने चुलबुले हैं उनसे ज़िंदगी की ये सारी सच्चाइयाँ सुने, पर ये अपने आप में यूनिक रहा। एक और यूनिक चीज़ थी, किशोरदा वैसे स्टूडियो में ही यूज़ टू प्ले प्रैंक्स, पर जैसे स्टेज पर कोई कहता कि गा दीजिए, किशोरदा मना करते, उन्हें ऑडियंस से इससे बहुत डर लगता, लाइव नहीं गाऊंगा कभी। इट वॉज कल्याण जी आनंद जी वो मेड हिम सिंग लाइव स्टेज पर किशोरदा से तब गवाया था, वरना वो पीछे खड़े रहते। कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनकी हौसला अफजाई की, एंड देन ही स्टार्टेड सिंगिंग फॉर ऑडियंसेस। फिर उसी फिल्म का जिक्र करूंगा जहां से आए थे, उस गली से एक बार गुजरे थे। लेकिन वो फिल्म ही ऐसी है ना कि इतने सारे सिचुएशन, इतने सारे मोड बुड़ाव, और हर अदाकार के लिए एक गीत, जैसे ये गीत था। अभी पियानो की बात हुई थी, जिंदगी अपने आप में एक पियानो है ना, हर सुरीला स्ट्रिंग एक अनुभव दे जाता है। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। आइए स्टेज पर, लेट्स वेलकम सौरभ जी ऑन द स्टेज। जरा तालियां प्लीज।